साथ में दीक्षा वर्मा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। खबर है दिल्ली से। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में बीते सोमवार में 1.5 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि मेट्रो में तकनीकी खराबी आ गई थी। ट्रेन की धीमी रफ्तार ने यात्रियों के पसीने निकाल दिए थे। कुछ स्टेशनों पर हजारों की संख्या में यात्रियों की भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि बाद में दिल्ली मेट्रो ने रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह एक चिड़िया थी। बता दें कि बीते सोमवार रात दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में तकनीकी खराबी आई थी। वहीं मेट्रो की ये लाइन द्वारका सेक्टर 21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी को जोड़ती है। आपको बता दें कि इसी बीच में इसकी एक शाखा वैशाली की तरफ भी निकलती है। यह दुर्घटना यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ के बीच हुई थी। इसी वजह से पूरी की पूरी ब्लू लाइन ही बाधित हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रेनें काफी धीमी स्पीड से चल रही थी। दिल्ली मेट्रो सर्विस से परेशान यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। कई सारे ऐसे फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं जिसमें भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। ये भीड़ मेट्रो प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्टेशनों के बाहर भी देखी गई। हालांकि ब्लू लाइन में तकनीकी खराबी की वजह से सबसे बुरा हाल यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन का था। वहां नोएडा और वैशाली की तरफ आने जाने वाले हजारों यात्री फंस गए थे। इसके अलावा मंडी हाउस और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की स्थिति भी खराब हो गई थी। तो कोर्स लेवल सुरक्षा प्रदेश द्वार या टिकट काउंटर पर ही रोकना पड़ा था।